जनपद रुद्रप्रयाग में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहलवार के अथक प्रयासों से जनपद को रोड स्वीपिंग मशीन की सौगात मिली है। ये मशीन कोयम्बतूर तमिलनाडु से मंगाई गई है, जिसका ऑर्डर पर्यटन विभाग की ओर से 20 दिन पहले दिया गया था। बीते देर रात को जिलाधिकारी सौरभ गहलवार की मौजूदगी में मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर ट्रायल किया गया। लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं ने खुशी व्यक्त करते हुए डीएम सौरभ गहलवार का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। यहां श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा मार्गों पर फैली गंदगी से निजात पाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहलवार इस कार्य के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। रोड स्वीपिंग मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर डीएम सौरभ गहलवार सहित अन्य अधिकारियों ने शुभारंभ किया, जिसके बाद मशीन का ट्रायल किया गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हम जानते हैं जो हमारी रुद्रप्रयाग जनपद है उसमें एक बहुत प्रमुख धाम केदारनाथ धाम से यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उचित साफ सफाई का प्रबंधन मिले, इसके दृष्टिगत एक रोड स्वीपिंग मशीन का क्रय किया गया है, जिसकी लागत लगभग 88 लाख रुपए है। जिसका कार्य ये होगा कि जितने भी हमारे चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उन पर किसी भी तरीके की जरा भी गंदगी ना हो, जरा भी गंदगी होती है तो उस मशीन के द्वारा उसकी साफ सफाई की जाएगी। ये रूट्स कंपनी की मशीन है, जिसकी इंडिया में ही प्लांट है, कोयम्बटूर से आई है ये मशीन। हमने 20 दिन पहले लगभग इसका ऑर्डर प्लेस किया था, जो अभी हमें आज प्राप्त हुई है। अभी तो ये चारधाम यात्रा मार्ग पर ही हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे अभी आज रुद्रप्रयाग जनपद के जिस रुद्रप्रयाग कस्बे में हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, फिर आगे इसको गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में भी इसको यूज़ किया जाएगा। इसके मशीन से यूज़ ये होगा कि जो रोड में डस्ट है या छोटी मोटी गंदगी है या यात्री जो प्लास्टिक की बॉटल्स गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो हम इस मशीन के द्वारा उसको बिल्कुल सही तरीके से साफ कर पाएंगे।